हे मेहड़ वाके जी मुतासिर उमिर बाब चांडियो साहिब सा उमिर बाब बुधाए जो त मारजी वयल पंज जणन जे गोठाणन जा लाश रखी ट्रेन जो धरणो जारी रखियो वियो आहे पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बणियल आहे पुलिस खामोश तमाशाई बणियल आहे जेका हुकूमत वक्त आहे उहा पिण खामोश तमाशाई बणियल आहे कंहिं पारां मज़म्मती बयान ॾिनो वियो आहे वाके जे केस दाख़िल करण लाइ न के जोगा उपाउ वरिता विया आहिनि छा चवणु चाहींदा आहिनि सूरत हाल ते अव्हां हर रोज असा प्यार लाश मिलन था अड़े कयामत के मंजर में पा गुजरी चुकी आंजे टिन प्यार लाश खया कल पा रात के टाइम पौतम तकरीबन टे बजे मुझी वापसी थी टे बजे रात में पौतम जैसे उत सूरत हाल दिखी तो मुझी दिल फाटे पी कोई इंसान इंसानियत रखड़ इंसान गैरत रखड़ जमीर जिंदा जो हों इो वाक्य कभी भी नी सकता अफसोस जड़ी गाल एतरी लाकानूनियत असांजी सिंध पुलिस जागीरदारन भोतारन सरदारन जरदारी माफिया की दलाल लगी पई आई जी सिंध पुलिस जो कमदार लगो पे वही गाल एफ आई आर असो आईनी जमहूरी हक है एफ आई आर नी वी वे बिलावल जरदारी के मौकफ से दिखो हू चवे तो शफाफ इन्वेस्टिगेशन थे इन मामले की जैसे उन्होंने मयतू उन लाश रोड रखी कर वेठा तो कड़ी जांच की गाल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो वो पुलिस कड़ी गैर जानबदार है जे असि रिपोर्ट ना वन जे असि एफ आई आर ना कटन तो असन कड़ो यकीन रखू तो सुबह शफाफ इन्वेस्टिगेशन कदा तो सागे ही मुझे वाक्य में ऐसो मुझे घर जहा टे मुझा वा मारिया गया बे यारों मददगार कर पुलिस कड़ी जांच कई उनका सही था एम पी एस उनके पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फारिग कर पुलिस तो उनके बेदो ही करार दे छो हो जैसे अस अदालत में वेहूं तो ऑनरेबल अदालत में इो ही फैसलो दिनों बई एम पी एस सरदार चंड इमरान चंडे मुलविस तुझा तो आई जी सिंध पुलिस की केर लगाम दी अस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गुजारिश क्यों था सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब में तो गैरत है को उनके सिंधी नजर अचन या सिंधियों को सूर नजर अचे अस सिंध की न्याणी होडन से हुजू अस सिंध के न्याणियों से जे भी जुल्म थन इतने सिंध की आवाम मरी वे सिंध की आवाम के मारे वे वो भी इन एम पी एस के हथा दुलकार अली भुट्टो के नाले से वोट न वा सिंध की मानून के मुझे इो ही मैसेज आ खुदारा सुजाग थे जे भुट्टे के नाले से वोट दियो था भुट्टे जो नारो लगा था भुट्टे जो मंशूर हो सरदारी निजाम के खिलाफ रोटी कपड़ा और मकान इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान पे हवेलन तेजे बंगलन तेजे औलाद ते महदूद रखो हिमल सिंध असि बुख बदहाली पे दई कर मारो हाँ असे प्यार लाश मिलन था ये सजो कम कें ये जे नवाब वली मोहम्मद वाले वाक्य बुधा उन कातिल केरन कें पे था पेरा वन जरदारी जहा तरीका जरदारी जो वाठा हाँ ये शूं बंद थुर्जन अस यही गुजारिश कई थी अस वरी भी सुठे लफ्जन में चौंस मुराद अली शाह के थोड़ी गिरत कर आई जी के चौंस थोड़ी सा गिरत कर एफ आई आर तो कटो न बी गाल सभी सिंध के गुजारिश कम जे भी चाहे मुझा सपोर्टर्स या जे जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कन था उन अखरन लेटर लिखन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के असो वाहिद आसरो वाहिद उम्मीद अदलिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो उ नोटिस वन बाकी जो बाकी इतने सिंध जो गिदड़न के हवाले आ सी उम्र अस बुधो तो सिंध गिदड़न न खाती है पर इतने वाकई में गिदड़ पा था सिंध खाएन जिनकी ना हैसियत है इनके वोट दई कर अस इलेक्ट क्यों था कन था पाया अस सिंधन के माराइन अस सिंधन के वोट से सियासत कन था इनके अस नजर लगा कराची में तुम ऐसो एम सी एम वो जो वाक्य तो उनके बिन जो मानन की ब लख लगे असो अनिल कपूर मुराद अली शाह उसे पोतो सिंधन जहा लाश सिंध के पुटन जहा पियान बी गुजरी वह उनके अस नजर ना अचू तो ये जो सो एक्सपोज थी चुका है इन्हें जो वक्त आखिर ये बोखलाट जो शिकार थी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके होश का कम वन घुर्जे अस यो ही चवंदी तो होश का कम वन चाहे आई जी सिंध पुलिस हुए मुराद अली शाह हुए या जरदारी माता हुए उनके किबलो दुरुस्त करण खे अस हाँ जुल्म बर्दाश्त न कदी अस पुरमन आयु अस पुरमन एहतजाज क्यों पाया था असें हकन के लिए उड़ू था उमिर बाब साहिबा जी अवां गाल पई कई पई त एफ आई आर जेका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आहे उहा पुलिस पारां दाखिल न कई वई आहे बुनियादी तौर ते त पुलिस जो फर्ज़ बणिजे पियो त उहा एफ आई आर दाखिल करे उन खां पोइ जेका आहे ससिंध हुकूमत जी बि ज़िमेवारी बणिजे थी त उन वाक़े जो नोटिस वठे आई जी के या डी आई जी के एस एस पी लेवल ताईं जे आफिसरनि खे हुकुम जारी करे त उहो वाक़े जो केस दाखिल करनि पर जेकॾहिं ॾिठो वञे त ॿिन्ही पारां केस दाख़िल करण जे लाइ का हिकमत अमली जोड़ी वई आहे न को अमल
अमली तौर कम कर है अवं समझो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वफाकी हुकूमत है गवर्नर सिंध है उहो आईजी सिंध का इन मुतालिक जवाब तलब कर सके तो उनका अलावा पटिशन दाखिल पिण कर सकजे थी इन वाक्य के खिलाफ जो पुलिस केस दाखिल न पी करे ॾिसो पहिरीं ॻाल्हि त के एस एच ओ खे एस एस पी खे राइट आहे ई कोन त केर बि एफ आई आर कटाइण वञे थो उन्हनि खां पुछनि त तव्हां फलाणे जो नालो ॾियो था ऐं फलाणे छो नथा ॾियो या छो ॾियो था हिननि खे राइट न आहे फस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट असांजो राइट आहे त असां वञी करे ॾियूं असांखे ज़ाहिर आहे जंहिंजे घर में मर्डर थियनि था जंहिंजी जंहिंसां दुश्मनी आहे जेको वाकियो आहे उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे इहो राइट आहे असांजो जमूरी ऐं आइनी हक़ आहे त असां पंहिंजी एफ आई आर कटायूं उनखां पोइ पुलिस डिपार्टमेंट जो कमु आहे त हुनखे इन्वेस्टिगेट कनि मामले खे पर हिते ॾिसो टोटली जेको आहे सो उबतड़ आहे हर शइ ऐं असां मुंहिंजी इहा बि गुज़ारिश आहे जीअं तव्हां पुछो पिटीशन असां इहा ई गुज़ारिश कंदासीं जेके वारस वेठा आहिनि धरणो लॻाए करे हू 22AB जी जेको आहे सो एप्लीकेशन ॾियनि कोर्ट में ॾियनि ऐं जेको आहे सो दरख़्वास्त ॾींदा इनशाला उतां जेको आहे सो हिननि जी एफ आई आर कटिजी वेंदी पर हिते ज़ाहिर आहे जेके वेठा आहिनि सिंध हुकूमत खे बेनकाब करण जे लाइ वेठा आहिनि हिननि ज़रदारी माफ़िया खे बेनकाब करण जे लाइ वेठा आहिनि ॾेखारण चाहिनि था त असांखे केतिरो ज़ुल्म सुकनि थियो आहे छो त हिते असांजो तदारक नथो थिए तव्हां ॿुधायो चाहे मां हमेशा चयो चार साल मूंखे बि थी चुका आहिनि मां रोडनि ते आहियां असांजी पंहिंजी एफ आई आर न कढी पई वञे माना जेके जिते हिते ग़रीबनि लाइ अलॻि कानून आहे सिंध पुलिस वटि ऐं जेको आहे सो अमीरनि जे लाइ अलॻि कानून आहे इहा त शइ न हुअणु घुरिजे असांजी जॾहिं अदलिया इंसाफ़ करे थी तव्हां रिसेंटली ॾिठो मां हिननि खे इहा ई गुज़ारिश कंदमि त तव्हां सभई हिकु त पढ़ियल लिखियल नौजवान जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खे ॿ ॿ अखरनि जो लेटर लिखनि चाहे सिंधी में लिखनि उर्दू में लिखनि इंग्लिश में लिखनि पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे लिखनि त हिन वाक़े जो पाण मुरादो नोटिस वठनि ऐं उनखां अलावा जेको आहे सो कोर्ट में जेको आहे सो हीअ दरख़्वास्त ॾियनि त हिननि जी इनशाला एफ आई आर कटिजी वेंदी बाक़ी रही ॻाल्हि सिंध पुलिस सिंध आज़ादु आहे कोन आई जी सिंध पाण हिननि जो कमदार लॻो पियो आहे त पोइ हाणे एस एस पी या एस एच ओ किथां एफ आई आर कटींदो उमिर बाब चांडियो साहब वरी महिरबानी अवां सिंध टीवी न्यूज़ के पंहिंजो वक़्तु ॾिनो ऐं तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई नाज़रीन तव्हांखे आगाह कयूं पिया नवाब अली मोहम्मद में ज़मीनी तकरार तां मारिजी वियल पंजनि ॻोठनि जा लाश रखी टे ॾींहं बि धरणो हयो वियो आहे कराची में आल पाकिस्तान डीएचए कप चैंपियनशिप कराई वही 10-13 फरवरी ताईं थियल गोल्फ चैंपियनशिप में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन के रांदीगरन शिरकत कई कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद टूर्नामेंट में खास मेहमान तौर शिरकत कई कराची के कोर कमांडर टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखारींदड़ रांदीगरन की वाकाण कई इनाम पिण विराया कराची के कोर कमांडर टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखारींदड़ रांदीगरन के इनाम पिण डिना 10-13 फरवरी ताईं थियल गोल्फ चैंपियनशिप में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन के रांदीगरन शिरकत कई ही हुई इन वक्त जो खबरों अपडेट्स लाइ विज़िट कर वेबसाइट सिंध टीवी न्यूज़ .tv ॾिसंदा रहो सिंध टीवी न्यूज़।